हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी एमटीएस के पेपर चल रहे हैं और लास्ट एमसीक्यू पेपर में हम लोगों ने देखा था कि भारत के जनगणना से प्रश्न बार बार आ रहे हैं, तो जनगणना को क्यों ना एक बार हम लोग पढ़ के ही जाएं, जिससे हम लोगों के प्रश्न जो है वो गलत ना हो। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 25 क्वेश्चन उठाए हैं, चूंकि 25 CGS में ठीक रहते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं आप लोगों को समय नहीं देख खराब करना चाहता हूँ, और इस वीडियो को जरूर देख के जाए, क्योंकि इस वीडियो से लास्ट जो शिफ्ट थी 8 तारीख की, उसमें प्रश्न भी आए हैं। तो आपको जब भी ये वीडियो प्राप्त हो रहा हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आपको हमारा टॉपिक दिख रहा होगा, टॉपिक में लिखा है भारत की जनगणना 2011। देखिए, जनगणना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले जो जनगणना है सन फ्रेंड, वो 1872 में शुरू हुई थी। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद से सन 1881 से ये जो जनगणना है वो प्रति 10 वर्ष के बाद में होती है, 10 वर्ष के बाद में। चूंकि 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड, आपने सुना होगा कोरोना वायरस वाला जो कोविड था, उसके चक्कर में ये नहीं हो पाई। तो अब जब भी ये होगी तो नया डाटा आपको मिलेगा, लेकिन तब तक आपके लिए पुराना डाटा से ही काम चलाना पड़ेगा। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? अब पहले समझ लीजिए कि बाल लिंग अनुपात क्या होता है, यानी बालक और बालिका, बालक और बालिका का जो अनुपात है फ्रेंड हमसे पूछ रहे हैं, वो निम्न में से किस राज्य में सबसे कम है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ या बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा में जो बाल लिंग अनुपात है वो 800 के पास पास है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने 689, 819, 382 या 904। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका 382, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में फ्रेंड्स आपके 382 लोग रह रहे हैं। जैसे आप 1 किलोमीटर का एरिया नाप लीजिए, उस 1 किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न हमारा 3, 4 और 5, 6। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? देखिए, जब जनसंख्या निकाली गई तो अपने यहाँ जनसंख्या दो तरीकों से है, एक सिटी की है और एक विलेज की है। सिटी की जो जनसंख्या है फ्रेंड, वो है आपकी 31.6%, और वही विलेज की बात करेंगे तो इसमें 100 में से जब इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 68.4%, यानी विलेज वाली है 68.4, सिटी वाली 31.6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी वो कौन सा राज्य है जहां पे शहरी जनसंख्या ज्यादा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा माया नगरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपकी शहरी जनसंख्या जो है वो ज्यादा निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन है 1921, 1935, 1947 या 1951। अब कुछ फ्रेंड यहाँ पे बच्चे जो गलती कर देंगे, कहा जा रहा है भारतीय जनसंख्या के इतिहास से महान विभाजक, अब कुछ लोग महान विभाजक लगा देंगे 1947 को, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है तो मैं आपको बता दूं, सन 1914 से लेके सन 1918 तक आपका पहला जो विश्व युद्ध होता है, उस विश्व युद्ध में बहुत से भारतीयों का भी प्राण में आहुति चला जाता है, जिसके कारण जो जनसंख्या जो वृद्धि की जगह नकारात्मक यानी निगेटिव में चली जाती है। इसीलिए सन 1921 की जो जनगणना हुई थी उसमें नकारात्मक प्रभाव देखने के कारण इसे भारतीय जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष घोषित किया गया। आप लोग अब समझ गए होंगे 1947 से इससे कोई भी संबंध नहीं है। अगला है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये आपका एसएससी जेडी और एमटीएस के 2 तारीख वाले पेपर में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या
त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में फ्रेंड आपके सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं। सोचिए प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 17 लोग। तो घनत्व तो कैसे होता है कि मान लीजिए कोई एक छोटी चीज है, छोटी सी जगह लीजिए और चीज में जब तो बहुत ज्यादा चीजें, देखिए यहाँ पे मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूं, तो इसका घनत्व तो ज्यादा है। यही अगर मैं एक चीज दो चीज इसमें रख दूं तो इसका घनत्व तो जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो 3, 4, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, 10। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है। साक्षरता दर का मतलब है किस राज्य की महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं। ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, ओडिशा या सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका बिहार। बिहार की जो महिलाएं हैं वो सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये पूछ दिया जाए निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर जो है वो सबसे अधिक थी। प्रजनन दर मतलब होता है कि बेबी कंसीव करने की जो सबसे ज्यादा क्षमता है वो किस राज्य में है, तो वो है आपकी फ्रेंड बिहार में। यानी बिहार में आपका प्रतिदिन जो बच्चों की संख्या है वो ज्यादा है, इसलिए उसी को हम लोग कहते हैं प्रजनन दर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका और देखिए यूपीएससी में पूछा गया। ऑप्शन है 13वां, 14वां, 15वां या 16वीं। तो ये जो आपकी जनगणना थी फ्रेंड ये थी आपकी 15वीं या 15th नंबर की। सबसे पहले कब हुई थी तो 1872। रेगुलर मतलब रेगुलर तरीके से 10 वर्षों में कब से होना शुरू हुई तो 1881 में। 2011 की कौन सी थी तो 15वीं। ठीक है, तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स फ्रेंड आपका क्वेश्चन है कि साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ज्यादा ध्यान के पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश की। ऑप्शन है आपके दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी या लक्षद्वीप। इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। इसकी जो ये केंद्र शासित यानी कि यूटी है और इसका जो साक्षरता प्रतिशत है वो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से ज्यादा है। अगर आप देखेंगे मैप में लक्षद्वीप है कहाँ तो आप पाएंगे कि जो अरब सागर है, अरब सागर में जो छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है इसी को हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं। अगला है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। अभी हमने आपको बताया था इसका ऑप्शन हो जाएगा सन 1872 में। अगर कोई पूछे 1881 में क्या है तो रेगुलर 10 सालों में है ना, रेगुलर 10 ईयर पे जब जनसंख्या स्टार्ट हुई है वो सन 1881 में स्टार्ट हुई है। तो 9-10 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे। तो फ्रेंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी अगर एमटीएस का पेपर लगा है तो वो इस शीट को जरूर देखकर जाए। और आप एनालिसिस देखते ही होंगे कहीं ना कहीं से, तो आप देख रहे होंगे मैंने वही ऑथेंटिक प्रश्न उठाए हैं जो आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% वास करता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 16.5% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और जब इसके आंकड़े आए थे तब उत्तर प्रदेश की जो संख्या थी वो 25 करोड़ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे यानी हेड जो थे वो कौन थे। ऑप्शन है विवेक जोशी, प्रणब मुखर्जी, सीएम चंद्रमौली या नसीर अहमद। तो 2011 की जनगणना आयुक्त के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड वो थे आपके सीएम चंद्रमौली। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 13, 14, 15 और 16। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में 8 मई वाली शिफ्ट में पूछा गया था। ये चीज मैं आपको लिख देता हूं, 8 मई 2023 यानी कल ये पूछा गया था। ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार या लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार, जहां का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अंडमान निकोबार अब है कहां तो आप
इधर देखते होंगे बे ऑफ बंगाल तरफ, जो आपके द्वीप की श्रृंखला जो दिखती है यही आपकी है अंडमान एंड निकोबार, जबकि लक्षद्वीप आपका पड़ता है इधर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? यहां पूछा गया जनसंख्या घनत्व सबसे कम, यहां पूछा गया है सबसे अधिक। ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या दादर नगर हवेली। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली में सब चिड़िया के घोंसलों के जैसे रहते हैं और लगभग 11,297 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में आपके रहते हैं। तो आप लोग खुद समझ जाइए, जहां अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग ही रहते थे, वहीं दिल्ली में 11,297। वहीं भारत की ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे तो भारत का ऑन एवरेज था 382, सबसे कम कितना था 17, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। ये किसका? इंडिया का। और दिल्ली का अकेला कितना है? 11,297। इसीलिए मैंने बोला चिड़िया का घोंसला, आप लोग खुद समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि में प्रतिशत कितना रहा? यानी मान लो 2001 में और 2011 में जो प्रतिशत वृद्धि थी वो कितनी थी? ऑप्शन है 19.61, 14.66, 16.12 या 17.64। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 17.64, यानी जो हमारी जनसंख्या थी वो 17.64 के प्रतिशत से 10 वर्षों में बढ़ी है। अगला है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या रही? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका, 74.04, 68.22, 43.58 या 76.44। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका 74.04। लिटरेसी रेट जो भारत में थी वो मेल फीमेल प्लस चाइल्ड, यानी तीनों को मिला दिया जाए, मेल फीमेल एंड चाइल्ड FMC तीनों को मिला दिया जाए तो वो है आपकी 74.04। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी रही थी, यानी मेल की जो लिटरेसी रेट है वो कितना रहा? ऑप्शन है 74.58, 78.80, 82.14 या 77.24। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा 82.14, ये आपका मेल का रहा। वही लगभग 68. बात करेंगे तो ये आपका फीमेल का लिटरेसी रेट था और मेल का है 82.14। अगला है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक वृद्धि हुई? त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका नागालैंड। नागालैंड की जो तस्की वृद्धि थी वो नकारात्मक यानी निगेटिव में चली गई, यानी बढ़ने की जगह उल्टा कम हो गई। अगला है, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लिंगानुपात किस राज्य में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन है केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा केरल। केरल का लिंगानुपात अन्य राज्यों से ज्यादा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। भाई अगर कम का पूछा जाए तो पहला क्वेश्चन हमारा कम वाला ही था और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो हरियाणा का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पर कितना है? 890, 960, 940 या 1102। लिंगानुपात का मतलब है कि कितने मेल पर कितनी फीमेल है। तो अगर 1000 मेल हैं तो भारत में 940 या कभी कभी आपको 943 भी दे देते हैं, तो दोनों ध्यान रखिएगा। यानी फीमेल की संख्या अगर 940 या 943 है तो मेल की संख्या है 1000, ऐसे ही लिंगानुपात आपका निकल कर आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या पंजाब। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड आंसर जो है वो ये क्वेश्चन कह सकते हैं गलत है, या इसको थोड़ा सा सही करना चाहें हम लोग तो पश्चिम बंगाल काट लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मेघालय। ध्यान रखिएगा मेघालय, मैं आपको उधर अलग से बता देता हूँ, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। थोड़ा सा टाइपिंग की दिक्कत है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो न्यूज किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही थी? तो मेघालय की। सीधे सीधे आप ध्यान रखिएगा, मेघालय की जनसंख्या वृद्धि सबसे
अधिक रही थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, यानी कहाँ पे अदर बैकवर्ड कास्ट जो है वो सबसे ज्यादा रहती है, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ओबीसी की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। वही बात करेंगे सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ रहती है, तो सबसे ज्यादा जनजाति रहती है आपके मध्य प्रदेश में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है चेन्नई, उत्तर पूर्वी दिल्ली या ठाणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ठाणे। ठाणे जो है ये भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला है लेह, और वहीं सबसे छोटा जिला अगर पूछ दिया जाए तो वो है आपका पुदुचेरी का माहे। ठीक, सबसे बड़ा है लेह और सबसे छोटा है माहे। अगला है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, ये चीज ध्यान रखिएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, क्योंकि एक दो बार ये एसएससी में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाएगा, इस बात की तो गारंटी फिक्स है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। तो अंतिम प्रश्न है आज का, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल के बाद किस स्थान की है, यानी केरल के बाद वह कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। चंडीगढ़, मेघालय, मिजोरम या पौंडीचेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा मिजोरम। वहां जहां केरल की जो साक्षरता थी वो 94% थी, वहीं मिजोरम की जो है वो 93.04% थी। तो ये चीज आप डाटा ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चन अपने भारत की जनगणना 2011 के टॉपिक से कंप्लीट किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।